थैंक यू हरीश भाई, मैं पहले से आपकी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी हिंदी जैसे आप सुनेंगे इतनी अच्छी नहीं है, मेरी वोकैबुलरी इतनी बड़ी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा वर्ड्स इंग्लिश में बोलूँ तो मुझे माफ़ करना। तो आज ये टाइटल हमने चूज़ किया है कि बिजनेस एंड स्पिरिचुअलिटी डज इट कंप्यूट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस पीपल विल से नो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, नॉट रिलीजन। ये जो दोनों चीजें हैं उनको हमको थोड़ा सा सेपरेट रखना है। क्यों? कि जब से हम इतने थे तब से हमको कहा गया है कि ये आपका रिलीजन है और ये रिलीजन बेस्ट मा बेस्ट रिलीजन है और सब रिलीजन इससे इंफीरियर है ना। सब रिलीजन ऐसा ही समझाते हैं हमको, एक चीज ये। दूसरा कि सब रिलीजन ने एक एक दिन वीक में चूज कर लिया है। आप जो मुस्लिम हो तो फ्राइडे, क्रिश्चियन संडे, जूश सैटरडे, शिवा मंडे, ऐसा सब रिलीजन ने एक दिन एवरी वीक वो चूज कर लिया। और ये कहते हैं कि ये वीक को, ये डे को हम होली डे मानेंगे, होली डे, और वो दिन हम हॉलीडे भी मनाएंगे और तब हम भगवान के बारे में जो भी चाहिए वो बात करेंगे, उसको मिलेंगे, उसको मंदिर में कि चर्च में कि जिधर चाहिए वो हम जाएंगे। रिमेनिंग सिक्स डेज को जो हमें करना है करने दो, ये दोनों को मिक्स नहीं करो। सिक्स डेज फॉर मी, वन डे फॉर गॉड। एक्सेप्ट जो प्रॉब्लम आ गया तो मैं भगवान का सोच लूंगा कभी भी किधर भी, है ना। प्रॉब्लम आ गया तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारा दिन की राह देख लो फिर हम भगवान का सोचेंगे। प्रॉब्लम आ गया तो स्ट्रेट अवे हम उनका सोच लेंगे। तो ये है डॉग्मा ऑफ रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी क्या है और ये स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये है कि हम सब स्पिरिट्स हैं, एक एक हम सब स्पिरिट्स हैं और भगवान हमारा बाप है। और एक और क्वेश्चन आपको ये आए इनकी पहला मैं उनका आपको उत्तर दे दूं कि ये आपने मेरा नाम सुना निजार जुमा तो आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि ये मुस्लिम ब्रह्मा कुमारी के साथ क्या कर रहा है ना। तो इसका उत्तर ये है कि इधर ब्रह्मा कुमारी रिलीजन नहीं है, ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इधर सब स्पिरिट्स आते हैं और वो स्पिरिट्स मीन्स सोल, मीन्स स्पिरिट का कोई क्या बैकग्राउंड है वो कोई नहीं देखते। इधर मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जूश, जो भी हिंदू, सब सब इधर आते और ब्रह्मा कुमारी का सारे विश्व में 9,000 सेंटर्स है। आप मायामी में जाओ तो आपको अमेरिकन्स मिलेंगे, पेरिस में जाओ तो फ्रांस मिले, फ्रेंच लोग मिलेंगे, अफ्रीका में जाओ तो अफ्रीकन्स मिलेंगे। जो भी कंट्री में आप जाओ उधर वो कंट्री का स्पिरिट्स माना सोल्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए इधर हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कि आपका रिलीजन, बैकग्राउंड, क्रीड, कलर क्या है, सब स्पिरिट्स आर कमिंग टुगेदर।
सो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जैसा ब्रह्मा कुमारी, उसका मेन रूल क्या है कि हम आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाने मांगते, जैसा रिलीजन में कहते हैं कि हम वीक में एक दफ़ा रिलीजन हमारी लाइफ में लाते हैं, तो इधर हम कहते हैं कि एवरी डे ऑफ योर लाइफ हमें स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में लाना। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी। तो आप सोचेंगे कि ये स्पिरिचुअलिटी क्या इतना डिफिकल्ट है कि हमको ये अपनाने में डिफिकल्टी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स इफ वी स्टार्ट टू अडॉप्ट गुड वैल्यूज इन आवर लाइफ, वी आर अडॉप्टिंग स्पिरिचुअलिटी इन आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइड के कल से हम किसी को दुख नहीं देंगे, तो मींस के आपने स्पिरिचुअलिटी अपने नेकर शुरू कर लिया। ये तो डिफिकल्ट नहीं है, है डिफिकल्ट है? क्यों? कि किसी को दुख देने का भी रिजल्ट है। हमें ऐसा लगता है कि किसी को दुख दे दिया, किसी ने देखा नहीं तो चल गया, मेरा चल गया, किसी ने देखा नहीं। ये स्कूल में हम सब ने पढ़ा हुआ है, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन, किसी को याद होगा, एवरी एक्शन हैज अ डायरेक्ट एंड ऑपोजिट रिएक्शन, याद है ना? तो इसका अर्थ यह है कि जो हमने किसी को दुख दिया तो हमें सामने दुख लेना पड़ेगा, राइट? ये इसका कैलकुलेशन किधर और जगह में हो रहा है, उसका प्रोग्राम है, बी श्योर कि इसका प्रोग्राम है और उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम सब बिजनेस लोग हैं, बिजनेस लोग ने किधर भी डेट क्रिएट किया तो वो उनका इनवॉइस एक्सपेक्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं, कि वो जिसके साथ डेट है वो भूल जाएगा, शायद भूल नहीं जाएगा, वो हमें उनका इनवॉइस आएगा। और जब इनका इनवॉइस आएगा कि ये अभी हमको कलेक्शन करना है डेट का, तब उसका टू वेज है। हम एक तो वी स्टार्ट हीटिंग टेबल्स कि क्यों ये आया, ये आपके वजह से आया, उनके वजह से, ये सब हम कंप्लेन करें, और दूसरी बात है कि हम क्वाइटली इनका पेमेंट कर दें, क्योंकि हमको मालूम है कि जब डेट कम होता है तो हम लाइट हो जाता है, हमारी कंपनी सारी लाइट हो जाती कि इतना डेट कम हो गया, तो ये उनका पेमेंट लेकिन करना है, वो भूलना नहीं। तो ऐसे स्पिरिचुअलिटी का रीजन से व्हाई डू वी अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी, कि ये स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल है, एवरी सिचुएशन का प्रैक्टिकल लाइफ में ये जब स्पिरिचुअलिटी को हम अडॉप्ट करते हैं तो उनका रिजल्ट भी प्रैक्टिकल है। तो इसलिए मुझे आज सारा पावर पॉइंट प्रेजेंट करना था, तो मुझे दो तीन ने बोला कि ये नहीं करो, इज बेटर कि आप आपका एक्सपीरियंस सुनाओ। तो ये आज मेरा इरादा है कि मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस सुनाऊंगा कि 27 साल के पहला 1992 में मुझे ब्रह्मा कुमारी का इंट्रोडक्शन मिला। एक ब्रिटिश बहन थी जो अफ्रीका में आई थी और उसको मैं मिला,
तो उसने मुझे ब्रह्मा कुमारी का इंट्रोडक्शन दिया और मैंने दो दो लेसन दिया। आपने आपको अभी मालूम होगा कि ब्रह्मा कुमारी का 7 लेसन होते हैं, 1 आवर ईच। जो मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि 1 आवर ईच का 7 लेसन ब्रह्मा कुमारी का कोर्स होता है। तो मैंने ये दो लेसन लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। तो 3-4-6 मास के बाद ये जो बहन थी उसने, क्योंकि ऑफिस में मेरी सेक्रेटरी उसको अलाउ नहीं किया मेरे साथ बात करने का, तो उसने एक दफ़ा मुझे संडे को घर पे फ़ोन किया और मुझे बोला कि हमने तो सोचा था कि आप बिजनेस पीपल कोई भी जो स्टोरी हैं उनका एंड तलक जाके फिर डिसाइड करते हो कि ये पॉजिटिव के नेगेटिव है। आपने तो दो लेसन की बात कर दिया कि ये नेगेटिव है। तो मैंने सोचा कि बात तो लॉजिकल है, लेकिन तब ईगो बहुत बड़ा था। ये सारा भारत क्या, ये सारा एशिया के बड़ा के जास्ती बड़ा मेरा ईगो था। तो मैं मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट समझता था। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा मैं आपको 1 घंटा और दूंगा फेवर करके, क्योंकि हम तब हमको ऐसा था कि हम इनको फेवर कर रहे हैं, एक्चुअली तो ऑपोजिट है, क्योंकि वो हमें ज्ञान का दान कर रही है, लेकिन हमें ऐसा था हम उनको फेवर करके। तो मैंने उनको बोला 1 more hour आपको फेवर करके मैं दूंगा। तो वो बिचारी ने 5 hours का इकट्ठा करके योगदान के साथ मुझे दे दिया और मुझे लग गया, ऐसा लग गया कि तब मैं 48 साल का था। तो ये 48 साल में जितना भी मेरा अनआंसर्ड क्वेश्चंस था, अनआंसर्ड, आप एक एक का अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं मुझे मालूम है, क्योंकि जो आपके पास सबका आंसर है तो मुझे बताओ कि स्वर्ग का फर्नीचर कैसा होता है। और नरक हेल का टेम्परेचर कितना होता है, भगवान कैसा, उसकी किधर है वो, उसकी रूपरेखा, उसका स्थान कहाँ है, ये बताओ। वो छोटा एक मासूम बच्चा है वो क्यों सफर करता है बताओ। ऐसा मेरे पास और आप सबके पास क्वेश्चंस है जो आंसर नहीं मिला है और हमने ये सब इधर रख दिया है कि इसका कोई आंसर नहीं है। वो दिन वो बहन ने मुझे 1 घंटा में सारा आंसर दे दिया और मुझे लग गया। फिर मैंने उसको बोला कि अभी इनका आंसर, इनका, क्योंकि क्वेश्चन बहुत था, इनका आंसर बताओ, इनका इनका इनका। वो बहन ने मुझे बोला भाई साहब आपका 1 घंटा हो गया है। लेकिन मैंने बोला मैं आपको टाइम दे रहा हूं। उसने बोला हाँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं अभी, आप दूसरे दिन आना, क्योंकि उसने देख लिया कि अभी मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं। तो मैंने ऐसा कोर्स तो कंप्लीट कर लिया और आप सबके अटेंशन के लिए मैं आज बोल दूं कि कोर्स ब्रह्मा कुमारी का तो 7 दिन का ही है, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है उनके लिए हम 3 दिन का भी कर देते हैं क्रैश कोर्स, हम इनको क्रैश कोर्स कहते हैं। आपको सेंटर में आना है तो सेंटर में आ जाओ,
सेंटर में नहीं आना है तो हम आपको वेबसाइट भी देंगे, वेबसाइट पे कोर्स कर लो। बहुत सा तरीका है, लेकिन ये तो इंसिडेंटली मैं आपको कह रहा हूँ। तो मैंने वो कोर्स तो वो कंप्लीट कर दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारा जो धारणा होता है वो क्वाइट डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मीन्स यू हैव टू ट्राई। और मेरी जो तब लाइफस्टाइल थी वो 360 डिग्रीज ऑपोजिट में थी। इधर ये लोग 4 बजे उठते हैं मेडिटेशन के लिए, मैं 3:30 बजे सोता था, एज वन एग्जाम्पल। शराब, दारू, ड्रग्स, पार्टिंग, नॉन वेजिटेरियन फूड, जो भी आप सोचो, डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ बीइंग अ ब्रह्मा कुमारी। मैं ऑफ्टन कहता हूँ, मैं ऑफ्टन बताता हूँ कि मैं आई एम द मोस्ट अनलाइकली ब्राह्मण, अनलाइकली बीके, मोस्ट अनलाइकली। तो आपको भी जो ऐसा लगता है कि आप मोस्ट अनलाइकली बीके हो, तो गिव इट अ सेकेंड थॉट, इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसके बाद मुझे 2 साल लगा टू बिकम अ बीके, क्योंकि मैं तो सुनता हूँ बहुत लोग कोर्स कर लेते हैं और नेक्स्ट डे बीके बन गए। मुझे तो 2 साल लगा, क्योंकि इतनी चीजें थी मुझे एक चेंज करने का। पहले तो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, अल्कोहल, स्मोकिंग। आई होप कि नोबडी हियर हैज एनी ऑफ दोज हैबिट्स, बट इफ यू डू आपको मालूम होएगा कि ये पर्टिकुलरली स्मोकिंग वॉज वेरी हार्ड। अल्कोहल सरप्राइजिंगली तो आई वॉज एबल टू गिव इट अप वेरी क्विकली, बट एट दैट टाइम मुझे ये भी पता चला कि ये हमारा भगवान है ना, वो भी डील्स करते हैं। नहीं रियली, वो भी हमारा बिजनेसमैन के साथ वो डील करता है। क्यों? कि वो समझता है कि हमारी इंटेलेक्ट कैसा काम करती है। हमारी इंटेलेक्ट, बिजनेसमैन की इंटेलेक्ट कोई नॉर्मल नहीं होती है, बहुत स्ट्रेंज होती है। एवरीथिंग इन एक्सचेंज, आप बोलो ऐसा ही दे दो, वो बोलेगा क्या आपका फिर गया इधर, ऐसा ही कैसा दे दूं, मैं व्यापारी हूं। तो भगवान ने मेरे साथ डील करने का शुरू किया, क्योंकि इसने देखा कि मेरा प्लानिंग इंटेलेक्ट है। तो मैंने प्लान रखा अल्कोहल को कैसा, पहला हार्ड लिकर, फिर सॉफ्ट लिकर, फिर वाइन, फिर ऐसा, फिर मैंने ये सब नॉन वेजिटेरियन फूड का भी प्लान बनाया, पहले रेड मीट, फिर वाइट मीट, फिर ये, फिर फिश, फिर लास्ट वन कावियार। तो ऐसा प्लान मैंने बना के रखा हुआ, तो मुझे ऐसा डील आता था, ऐसा जस्ट इंटेलेक्ट, इन माय इंटेलेक्ट वाज बीइंग टच्ड, कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया मेरे सामने। और मुझे ये इंटेलेक्ट में ख्याल आया कि ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है तो कल से अल्कोहल छोड़ दो। मैंने सोचा ये तो बैड डील नहीं है, एक वो अल्कोहल छोड़ दो, कल से ये बड़ा प्रॉब्लम हट जाएगा। तो मैंने बोला टेस्ट भी कर लेते हैं हम, ये कि भगवान रियल है कि नहीं। मैंने बोल दिया ठीक, ये प्रॉब्लम हटा दो, कल से मैं अल्कोहल छोड़ दूंगा। June 19th of 1992, ये मेरा प्रॉब्लम हट गया और मैंने अल्कोहल छोड़ दिया। तो ऐसा मुझे भी भगवान ने मदद किया, लेकिन फिर भी मुझे 2 साल लगा। तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप चीजें करने का हमें प्रैक्टिस करना है।
क्योंकि लाइफ में जो हमें एलिवेट होना है, तो ये एलिवेट होने के लिए हमें राइट स्टेप्स तो लेना है, लेकिन रीज़न चाहिए क्यों क्यों मैं करूं। क्योंकि आप खुद को बोलेंगे कि मेरी लाइफ इतनी तो बुरी नहीं है, चलो प्रॉब्लम्स आता है एवरी नाउ एंड अगेन, तो लेकिन इतना तो बुरा नहीं है। लेकिन कितना आपको एलिवेट होना है, इसका आपको पहला संकल्प होना चाहिए कि मुझे किधर जाना है। मेरी लाइफ जो इधर है एट 40 लेट्स से, और मैं 42 से हैप्पी हूँ, तो ओके। लेकिन जो मेरी लाइफ का लेवल 40 है और मुझे 90 पहुँचना है, तो फिर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग आई नीड टू थिंक अबाउट, कि इनका आई नीड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। जैसा हमने बात किया अभी कि किसी को दुख मैं नहीं दूँ तो मुझे सामने दुख नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ अभी क्या है, ये मैं इंडियन क्राउड में हूँ तो ये बताना बहुत ईजी है। आप सब कर्मा फिलोसफी तो मानते हो, है ना? कर्मा से फिलोसफी हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कर्मा इज द रिजल्ट ऑफ मेरा कर्मा, मेरी सामने मुझे ये बनना है, डेट क्रिएट कर दिया तो ये बनना पड़ेगा, ये मुझे मालूम है। हमारी जो करंट लाइफ है वो मेरा पास्ट कर्मा का रिजल्ट है कि नहीं? सिंपल। मैंने जो दुख दिया है तो सामने दुख आया, मैंने बहुत डोनेशन किया है तो पैसा आया, मैंने सुख दिया है तो सुख आया। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये कर्मा फिलोसफी हमें इसका सोचना है, क्योंकि हम इतना बिजी हैं, हम इतने चीज़ें में इन्वॉल्व है, हम लाइक दैट वो रैट है ना जो साइकिल में जाता है, ऐसा हम रैट बन गए हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, कोई भी हमारे पास आए भाई साहब 2 मिनट सुनो, नहीं टाइम नहीं। तो ये टाइम नहीं है, इस वजह से हम कोई भी अच्छी चीज़ भी है वो उसका सोचने का सुनने का हमारे पास टाइम नहीं। ये तो अच्छा है कि आपने ये चार कितना दिन का ये है 4 दिन का ये रिट्रीट में आपने टाइम निकाल के इधर आए हो, ये भी आपके लिए एक एक के लिए ये फॉर्चून है, ये बहुत बड़ा फॉर्चून है। लेकिन आपको इधर आके 3 दफ़ा खाना खा के दिन में थोड़ा सुन के रेस्ट करके चर्चा करके वापस चला नहीं जाना है, आपको इनका फुल बेनिफिट लेना है। कि जब मैं इधर से निकलूं 24 को, तो 25th को मेरी लाइफ में क्या चेंजेस मैं लाने वाला हूं, ये बात नहीं। अभी हम बच्चे नहीं हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ऑल ग्रोन अप। अभी हमें सब चीज का सोच के समझ के हमारी लाइफ के हमारी बेनिफिट के लिए हमें डिसीशन लेना है। जो भी हम सुन रहे हैं वो सुन के हमें ये नहीं सोचना है कहाँ ये अच्छा बोल गया, ये इस बारे में मैं सोचूंगा, जो ऐसा बोला तो बात खत्म, ये नहीं सोचेंगे, कभी नहीं आएगा वापस, हो गया फिनिश। ये जब आपके सामने कोई चीज आए और आपको अच्छी लगी, तो अब डिसाइड करो कि अब मैं ये डिसाइड करता हूं कि ये मैं अब से ये डिसीशन ले रहा हूं कि ये चीज मैं नहीं करूंगा। मैं किसी को दुख दूंगा तो मेरी लाइफ दुखी होएंगी इन द फ्यूचर। अभी मेरे पास क्लीन शीट ऑफ पेपर है और पेन है,
और फ्यूचर है हमारे सामने, लिखो आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये मैं लिखता हूँ मेरा फ्यूचर क्या होएगा, और कोई नहीं है। हम ब्लेम गेम में बहुत होशियार है, आपके वजह से ये हुआ, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है, आपने ये किया इसलिए ये मुझे हुआ। लेकिन ट्रूथ तो हमें मालूम है, डीप इनसाइड हमें मालूम है, मैंने दुख दिया इसलिए ये दुख मुझे वापस आया है, उसमें से कोई नहीं छूटने वाला है, कोई नहीं। हम जाते हैं उधर, थोड़ा पैसा देते हैं, मैंने किसी को दुख दिया, माफ कर दो, माफ हो जाएगा, हो जाएगा, भगवान तक वो माफ नहीं कर सकता। क्यों? दो ब्रदर्स हैं, एक ने दूसरे को दुख देकर उसका कुछ छीन लिया, फिर वो इनके बाप के पास गया, मुझे माफ कर दो मैंने उसका छीन लिया, उसको दुख दिया, वो करेगा? जो करेगा तो वो बोलेगा उनका कि ये आपने क्या कैसा जस्टिस किया, आप बाप हो, आपने इनजस्टिस करके उनको बोला, उसने जो मुझे दुख दिया और मेरी चीज छीन लिया आपने माफ कर दिया। बाप है वो हमारा, वो भी नहीं कर सकता है, वो आपको बोलेगा जिसको दुख दिया उनके पास जाओ, उनके पास जाके माफी मांगो, वो जो माफ कर दे तो हो गया, है ना। लेकिन ये लाइफ का आपको याद है किसको दुख दिया है, प्रीवियस लाइफ का लाइफ याद नहीं है, तो इसलिए फ्यूचर का अभी पक्का करो कि मेरा फ्यूचर ब्यूटीफुल होएगा, क्योंकि मैं सबको सुख देने वाला हूं, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का पैसा दे ले जाऊंगा जो मेरा नहीं है, मेरा हक नहीं है, और जितनों को भी सुख दूंगा उसका रिजल्ट मुझे भी सुख आएगा। ओके, तो ये हमें डील्स करना है, उनके साथ भी हमें डील्स करना है कि व्हाट इज पॉसिबल व्हाट इज नॉट पॉसिबल। वो दो चर्च में दो भगवान को प्रेयर करता है, दो लोग एक कथा साथ में बैठे वो प्यू में ऐसा नील करके भगवान को, एक कहता है भगवान मुझे कल ये 1,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, कुछ भी आप कर लो मुझे ये मेरा, आप जो कर देंगे तो इसके बाद मैं कभी नहीं मांगूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, सब प्रॉमिस वो भगवान को कर रहा। उसके पास एक बिजनेस वाला था, वो भगवान को समझा रहा था कि ये है ना, एक में ऐसी डील करता हूँ, टेक ओवर की डील है, उसमें एक साइड डील है, क्रॉस डील, तो आपको ये अच्छी तरह के समझना है कि ये डील कैसी है, तो ये आप सम, तो ये इतना ट्राई कर रहा है भगवान को समझा, और ये बाजू में कह रहा है भगवान मुझे 1,000 रुपया कल तक चाहिए, कुछ भी करो मुझे दे दो। तो इनको डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि वो भगवान को समझा रहा था कि इसकी क्रॉस डील कैसी है। तो इसने वॉलेट में से हाथ ना के डाल के वॉलेट में से 1,000 रुपया निकाल के इनको दे दिया, जा, क्योंकि व्यापारी था। फिर उसने भगवान को बोला कि अभी सिर्फ मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर और मेरी दिल समझ कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो हमें भी ऐसा भगवान के साथ डील करना है कि वो हमारा कॉन्स्टेंटली सुने, वो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली रहे। जो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारा दोस्त है तो हम आराम से सो जाएंगे, क्योंकि हम सबको कहेंगे कोई वरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इधर है, इधर
कोई वरी नहीं। तो ऐसा हमें भगवान को हमारा साथी बनाना कि कॉन्स्टेंटली उसके साथ हम कंबाइंड फॉर्म में रहे, कि वो हमारा कॉन्स्टेंटली देख रेख रखे, हम कॉन्स्टेंटली उसके अम्ब्रेला के नीचे उनके साथ रहे। ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन इसकी मेथड चाहिए कि हम कैसा कर सकें। फर्स्ट तो ये हमें जानना है कि मैं कौन हूं, वो तो सबको समझ है अभी, मैं कौन हूं मालूम है, ये मालूम है। सब हानि कहते हैं, मैं आत्मा हूं और मेरा स्टेशन इधर है, मालूम है ये? हाँ, हमारी बहनों लोग सब ये इधर क्यों तिलक डालते हैं? अरे फैशन नहीं है ब्रदर। लेकिन बहुत से ऐसा मानते हैं कि ये फैशन है, अभी तो डायमंड का डालते हैं इधर, जो भी फैशन भी है। लेकिन रियल रीजन ये है कि हम खुद को और सबको रिमाइंड कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं और मैं इधर बैठा हूं, इधर से मैं सुनता हूं, बोलता हूं, सब कुछ मैं इधर से, मेरी कमांड पोस्ट इधर है। इधर मैं कब आता हूं? फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब द चाइल्ड स्टार्ट्स किकिंग, द सोल हैज एंटर्ड। तो तब मैंने बॉडी ले लिया। ये बॉडी मैंने कब छोड़ा वो तो सबको मालूम है ना? तो तब तलक ये हूं, मैं इधर हूं और मैं किसी को दिखता नहीं हूं। क्यों क्यों दिखता नहीं हूं? क्योंकि जैसे जैसे कोई भी चीज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट बनती है तो ये मोर एंड मोर सटल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी इज क्लियर, क्लियर वॉटर वेरी इंपॉर्टेंट, पानी के बिना हम जी नहीं सकते है ना? ये सब है, ये सब हार्ड, सब कलर, सब ये ग्रोस है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब के बिना हम जी सकते हैं। दिखती है, कलर है, तो पानी, उसके बाद एयर, हम कॉन्स्टेंटली ये एयर ब्रीथ करते हैं, करते हैं ना? दो तीन मिनट हमें ये नहीं मिले तो फिनिश। दिखती नहीं है, दिखती है? हमें मालूम है ये यहां है, मालूम है, हम ब्रीथ करते हैं कॉन्स्टेंटली, लेकिन दिखती नहीं है, सटल है। द सेम वे ये जो सोल है वो भी दिखता नहीं, हमें मालूम है इधर है, आप सब में सोल है, लेकिन इतना ये सटल है कि हम सब भूल गए हैं कि हम सोल हैं। हम मानते हैं हम बॉडी हैं। तो ये सोल ऐसा नहीं है कि ये बॉडी में ये किधर सोल है, ये ऐसा है कि ये सोल बॉडी में आता है। तो ये मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बॉडी में आता हूं और मैं हूं एज ए पॉइंट ऑफ लाइट, लाइक ए शाइनिंग स्टार। और भगवान कैसा है? एग्जैक्टली, भगवान भी ऐसा ही है, पॉइंट ऑफ लाइट लाइक ए शाइनिंग स्टार। किसी कोई भी रिलीजन में देखो भगवान का डिस्क्रिप्शन क्या है, लाइट।
पॉइंट ऑफ लाइट, मुस्लिम में कहते हैं नूर, नूर ऑफ लाइट। हम भी सारे दुनिया में भगवान इज पॉइंट ऑफ लाइट। ये कनेक्शन हम और भगवान का ये कनेक्शन है, वी लुक लाइक द सेम पॉइंट ऑफ लाइट लाइक ए शाइनिंग स्टार। अभी जो भगवान के साथ हमें कॉन्स्टेंटली डील करना है तो उसका कनेक्शन चाहिए। ये कनेक्शन ये है कि मुझे मालूम है मैं कौन हूं, मुझे ये भी मालूम है भगवान और उनकी रूपरेखा क्या है, मुझे ये दोनों को कनेक्ट करना है। जो मुझे इसके अम्ब्रेला के अंदर रहना है तो हमें ये कनेक्शन करना है। मेडिटेशन और कुछ भी नहीं है, मेडिटेशन इज जस्ट दैट सिंपल, मी कमिंग टूगेदर विद गॉड। मी भगवान के साथ जब हम मिलन करते हैं, वो उसको कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज मेडिटेशन। और ये प्रैक्टिस हमें कॉन्स्टेंटली करना है। आपको जो एलिवेट होना है 40 में से 90 होना है इन एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ, जो भी कुछ भी करो आपको सफलता चाहिए कॉन्स्टेंटली, तो दिस इज द वे, कनेक्ट विथ योर मेकर, विथ योर भगवान, विथ योर गॉड कॉन्स्टेंटली। कुछ भी नया शुरू करो, कुछ भी नया थॉट, कुछ भी नया दिन, कुछ भी नया डिसीशन, कुछ भी नया करो, पहले ये सोल टू सुप्रीम सोल उसका कनेक्शन करो, उसका कंबाइंड फॉर्म बनाओ और फिर शुरू करो। सक्सेस इज गारंटीड, क्योंकि आपका पार्टनर को आपने आपके साथ ले लिया। वो कहता है मैं आपको देख रहा हूं, आप खुद अकेला स्ट्रगल कर रहे हो, आई कांट हेल्प। लेकिन आप जो ये करेंगे, सोल टू सुप्रीम सोल पहला कनेक्ट करो, इसमें आपको कुछ गैरफायदा तो नहीं है, पैसा नहीं देना पड़ता है, कुछ हुंडी नहीं सही करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सोल टू सुप्रीम सोल कनेक्शन करो। कोई भी चीज करो, नहीं करो, कुछ भी नया करो, बिगिन विद दिस कनेक्शन, सोल सुप्रीम सोल, पॉइंट ऑफ लाइट टू पॉइंट ऑफ लाइट। इसमें जितना फायदा है और नथिंग एल्स, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें इतना पावर है। एक एक लोग इधर आए हैं क्यों, कि हम ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, पावर। भगवान क्यों, क्योंकि भगवान में पावर है, इसलिए हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। कल जो कोई किसी आके आके बोले कि अभी भगवान आ गया है और वो हमें कह रहे हैं कि ये सब है ना, मेरे में रियली पावर नहीं है, वो तो बात आती, तो हम सब चले जाएंगे इधर से। भगवान का पावर की हमें जरूरत है, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं। तो भगवान का पावर जो चाहिए तो भगवान के साथ कनेक्शन करो, उनकी साथ कंबाइंड फॉर्म में रहो। तो ये कॉन्स्टेंटली आपको ये कनेक्शन का पावर मिलेगा, और जो भी आप चाहते हो करने के लिए, वो जो भी जो बेनिफिशियल चीज है
वो उसमें से निकल आएगी. प्रैक्टिस करो. दिस इज योर वन एंड ओनली $64,000 क्वेश्चन. वो कहते हैं ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ क्या है? वो ये है, मैंने जो 27 साल में कुछ भी सीखा है तो ये सीखा है कि आपको पावर चाहिए, पावर से एलिवेट होना चाहिए. तो ये कड़ा है. मैं जब आपने सुना मैं एडिडास की कंपनी ये वगैरह चला, मैंने जब शुरू किया 27 के साल के पहले, 4-5 कंपनी तो मेरे लिए इधर तलक आ गया था. मैं कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, कॉन्स्टेंटली आई वॉज वरी, मुझे अल्सर्स हो गया, ये सब 4-5 कंपनीज बहुत हो गया. किसी ने बोला हमारा हरीश भाई ने कि आज मैं टोटल इंक्लूडिंग आगा खान एंड माय कंपनी सब टोटल करो तो ओवर 70 कंपनीज का मैं चेयरमैन हूं. और जीरो स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेस. और मेरे पास टाइम है कि मैं इधर आके आज आपके साथ बात कर सकता हूं. और ये मैं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, मैं खुशी से आ रहा हूं. मैंने कल फ्लाइट लिया, इधर मैं पहुंचा कल, और इधर फॉर द पर्पस कि मैं आपके साथ बात कर सकूं. क्यों? कि मैंने देखा है कि जो मुझे बेनिफिट हुआ है वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है. आप में से एक एक सब ये कर सकते हो, सब कर सकते हो. लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में हम आपको थोड़ा इधर लाते हैं कि ये फॉलो करो वो नहीं. तो इसमें फायदा है, प्रूव्ड फायदा, प्रूव्ड. मेरे जैसे बहुत लोग हैं, सबके साथ बात करो वो आपको बताएगा कि ये प्रूफ है. जो आप जीरो स्ट्रेस चाहो, ईगो को नीचे लाना चाहते हो, आपका एंगर को मिटाने चाहते हो, मिटाने या ऑब्लिटरेट, तो ये रास्ता है. आई वॉज अ वेरी एंग्री मैन. मैं बहुत गुस्से वाला था, बहुत. मेरी गाड़ी जब मेरी ऑफिस में आती थी तो हमारा फ्रेंच विंडोज था, तो मैं देखता था सब लोग मेरे पाथ में से दे वर रनिंग अवे, कि मेरे पाथ में किसी को नहीं आना है. वो सब लोग मुझे से डरते थे, मुझसे डरते. और जब मैं ये देखता था तब मुझे लगता था हाँ उसको डरना चाहिए क्योंकि मैं बॉस हूं. रॉन्ग डायरेक्शन. तो ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करेक्शन होने लगा. और ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो किया और स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हम एलिवेट हुए. और मोस्ट एलिवेशन क्या है इस सब में? ये सो आपका स्ट्रेस, आपका एंगर, आपका ईगो, ये सब नीचे आता है. तो बेस्ट माँ बेस्ट ये है कि आपको मन की शांति मिलती है. ये सब हम ढूंढते हैं, सब लोग हम ढूंढते हैं मन की शांति. मैं जब पहली दफा, मैं हमारी दादी जानकी हैं जो अभी 103 साल की हैं, इधर है, उनको मैं मिला जब वो जब 70 साल की थी, तो उसने मुझे पूछा पहली दफा, अभी अभी मैंने कोर्स कंप्लीट किया था, मुझे पूछा आप क्या ढूंढ रहे हो? तो विदाउट थिंकिंग मैंने बोल दिया क्विक एज अ फ्लैश, पीस ऑफ माइंड. तो उसने मुझे बोला कि अभी
हम सब भिखारी बन गए, भीख मांग रहे, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, भीख मांग रहे। तब मेरा ईगो इतना बड़ा था, मैंने सोचा ये बुरी मुझे भिखारी कह रही है। लेकिन मैं समझा नहीं वो क्या कहने चाहती थी, क्योंकि जो भी हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे हाथ में है। इधर सब लोग आपको ये सेवरल कड़ा दे रहे हैं, ये सारी कड़ा का आप कॉम्बिनेशन करके फॉलो करो तो ये पीस ऑफ माइंड, ये हैप्पीनेस, ये स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये सब आपके हाथ में है। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो आपको एग्जाम्पल बन के आपके सामने बैठे कि ये करो जो हमने किया। हमको 2-3 साल लगा, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, मे भी 1 मास में हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है इधर, ये अपॉर्चुनिटी डोंट लेट गो, उसको छोड़ना नहीं। उसमें से कुछ ना कुछ आप ले लो, पकड़ लो और उनको फॉलो करो कि आपकी जिंदगी 24th से 25th से बदल जाए, और ऐसा बदल जाए कि एक एक चीज उसमें आपके फायदा में है और आप एलिवेट होते जाओ। क्योंकि सब में स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए, गुस्सा है, गुस्सा किसी के लिए अच्छा नहीं है। गुस्सा जो भी आपको सुनता है ना, आप जब गुस्से में हो तो वो स्विच ऑफ कर देता है, वो सुनता नहीं आपको, स्विच ऑफ कर दिया, ये कुत्ता भसता है, कोई नहीं सुनता है। ओनली पर्सन हु बर्न्स, जो जल रहा है वो आप, आपको इफेक्ट हो रहा है इसका, और कोई को इफेक्ट नहीं है ये इनका। और आपकी जो इंटेलेक्ट है वो काम नहीं करती है। जब आप स्ट्रेस में हो कि आप गुस्से में हो कि आप फियर भय में हो, ये जब तीन है आपके में चल रहा है तो आपका इंटेलेक्ट काम नहीं करता है। इसलिए जब आप गुस्से में हो ना तो वोकैबुलरी चली जाती है, क्योंकि इंटेलेक्ट नहीं है, आउट ऑफ द विंडो। दैट्स व्हाई यू स्टार्ट स्वेयरिंग। स्वेयर क्यों करते हो? क्योंकि इंटेलेक्ट में वोकैबुलरी नहीं है, चली गई, इंटेलेक्ट ही नहीं है। सेम थिंग एज बींग ड्रंक, बींग एंग्री, गुस्सा और बींग ड्रंक इज एग्जैक्टली द सेम। आप बोलेंगे आपको बींग ड्रंक मालूम नहीं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से आपको बता दूं। तो मेरी बहनों भाइयों, मेरा टाइम हो गया है, तो आई होप कि मैं जो आपको आज बताया, मैं टीचर नहीं हूं, इसलिए आपने देखा कि मेरी भाषा और मेरी बोलने की रूढ़ि सब बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड। मैं सारा दिन आपकी जो दुनिया है उसमें ही मैं काम करता हूँ सारा दिन, तो आई अंडरस्टैंड कि जो आपका प्रॉब्लम है वो कैसे कैसे प्रॉब्लम आता है एवरी डे 24 आवर्स अ डे, और मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि बिजनेस का प्रॉब्लम तो एक ही प्रॉब्लम है, हमारे फैमिली का प्रॉब्लम है, हमारा रिलेशन का प्रॉब्लम है, हमारा कितना कितनी डिफरेंट किस्म का प्रॉब्लम हमारे सामने एक दिन में आता है। और ये हम जब बिजनेस लोग होते हैं तो हम किसी को कह नहीं सकते हैं कि भाई आप आके मेरी मदद करो। बिजनेस लोग आर सपोज टू बी अप हियर, वी आर सपोज टू हैव नर्व्स ऑफ स्टील। इधर हम शो नहीं कर सकते कि हमारा रियल हालत क्या है,
इधर चेक बाउंस हो रहा है और हम हंस के सबके साथ बात करते हैं। मुझे मालूम है ये सब आता है हमारे सामने एवरी डे। तो इसलिए आप मेरा मान जाओ जो मैं आपको कह रहा हूँ, और ये भगवान के साथ डील करने के लिए उनके साथ जुड़ जाओ। और मैंने आपको इजी मेथड बता दिया, कोई भी नई चीज़ करो, नया सोचो, नई कुछ, ये कनेक्शन करो पिल, फिर शुरू करो, फिर देखो रिजल्ट ना आए ना तो आप हमारी ये योगिनी बहन है ना उनको ईमेल भेजना, ये आपका निजा जुमा बकवास कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। तो इतना श्योर मैं हूं कि इसमें आपको फायदा ही होना है। ओके ओके थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।